अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आज हम लोग बादामी केसर खीर बनाएंगे। बादामी केसर खीर बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। मैं 1 लीटर मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मिल्क को सॉस पैन में डालने के बाद एक अच्छा सा बॉईल ले लेंगे। और बॉईल लेने के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून सोख किए हुए बासमती राइस, जिनको मैंने 4 आवर्स के लिए सोख किया था, वो डाल रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे जिसमें कोई भी लम्स नीचे ना बने पैन में। फिर मैं दूध में भीगा हुआ केसर डालूंगी जिससे कलर आएगा और फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। यहाँ पे मैं आलमंड का पेस्ट डाल रही हूँ जिसको मैंने दूध के साथ ग्राइंड किया हुआ है। ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है जिससे किसी तरीके का कोई लम्स नहीं बनेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाना है जिसमें कोई भी चीज़ नीचे पैन में स्टिक नहीं हो। यहाँ पे मैं 2 हरी इलायची डाल रही हूँ। आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का, मेरे पास नहीं था तो मैं खड़ी हरी इलायची डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से चलाते रहना है, नीचे कोई चीज़ स्टिक नहीं होनी चाहिए। और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक ये हल्की सी थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आने लग जाए। बॉयल आने तक आपको चलाना है। बॉयल के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, फिर ये स्टिक नहीं होगी नीचे पैन में, ठीक है। जब तक बॉयल नहीं आता तब तक आपको चलाते रहना है और इसको स्टिक नहीं होने देना है। आपको चेक कर लेना है कि राइस भी हमारे गल गए हैं पूरी तरह से या नहीं गले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मैं बराबर इसको चला रही हूँ जिससे ये पैन में नहीं लगेगी। अब ये थिक होने लग गई है, बॉयल आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे थिक हो गई, अब ये बन गई है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद इसको फिर हम गार्निश करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने पूरा बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इस पे आलमंड फ्लेक्स डाल रही हूँ जिनको मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था। और अब इसमें मैं पिस्ता डाल रही हूँ जिसको भी मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ फॉर गार्निश, फॉर कलर। तो ठीक है व्यूवर्स, ये हमारी बादामी केसर खीर बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्लीज़ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और इसको बना के ट्राई करके और मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि ये कैसे बनी है। अल्लाह हाफिज़।